आज हम यूपीएस में पढ़ने वाले लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 है एक्शंस वी डू। एक्शंस मतलब जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसे कहेंगे एक्शंस। लेसन हम देखेंगे पेज नंबर 52 टेक्स्ट बुक में। उसमें आपको पिक्चर्स कुछ दिए गए हैं, आप देख सकते हो, जिससे कि वॉशिंग करना, धोना। शी इज वॉशिंग हर फेस। आप कोई आप अपना चेहरा धोते हो, साफ करते हो, तो वॉशिंग करना होता है, वो एक एक्टिविटी है जिसे हम एक्शन कहेंगे। तो पहली वाली एक्शन कौन सी हुई? पहली एक्शन यहाँ पे दी गई है वॉशिंग। अपना फेस धोना तो वो है वॉशिंग। वॉशिंग वो एक्टिविटी, उसे हम एक्शन कहेंगे। दूसरी वाली दी है शी इज वेयरिंग अ गार्लैंड अराउंड हर नेक। वो फूलों की माला अपने नेक में पहन रही है। पहनना, वियरिंग मतलब पहनना, तो वियरिंग वो है एक्शन। तो वियरिंग, तो वियरिंग हुआ एक्शन, एक्टिविटी। सेकेंड वन ही इज कॉम्बिंग हिज हेयर। कॉम्बिंग करना, बाल बनाना, अपना हेयर वो बना रहा है, तो कॉम्बिंग करना वो एक्शन है। तो कॉम्बिंग को भी हम एक्शन करेंगे। फिर दिया है आपको शी इज डांसिंग। डांसिंग करना, तो लड़की जो है वो डांस कर रही है, तो डांसिंग करना वो भी एक एक्शन है। तो डांसिंग हुआ एक्शन। ही इज ब्रशिंग हिज टीथ। ब्रश करना, वो जो लड़का है वो अपना अपने टीथ को ब्रश कर रहा है, तो ब्रशिंग करना वो भी एक्टिविटी है। लड़का है जो एप्पल खा रहा है, ईटिंग खाना, तो ईटिंग वो भी एक एक्शन है। जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो एक एक्शन बन जाते हैं। जो आप एक्टिविटी रेगुलर में जो जो परफॉर्म करते हो वो सारी एक्शन कहा जाती है। तो वो एक्शन जो है यहाँ पे कौन कौन सी दी गई है? वॉशिंग, वियरिंग, कॉम्बिंग, डांसिंग, ब्रशिंग, ईटिंग। वैसे आप रेगुलरली जो जो एक्टिविटी करते हो, चीजें करते हो, वो सारी एक्शन में आती है। जैसे कि वॉकिंग करना, रनिंग करना, राइटिंग, जब आप लिखते हो तो वो राइटिंग होती है, वो भी एक एक्शन है। मैं बुक रीड कर रही हूँ आपके सामने, तो जो रीडिंग है वो भी एक्टिविटी है। तो आपको कुछ चीज बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक्सप्लेनिंग वो भी एक एक्टिविटी हुई, वो भी एक एक्शन ही है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो टीचिंग वो भी एक एक्शन ही है। तो जो भी चीज आप एक्टिविटी करते हो वो सारी जो होती है वो एक्शन में आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मली एक्शन कहेंगे। तो आपको बुक में नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया गया है? तो आपको ट्रेसिंग करना है। तो ट्रेसिंग मैंने आपको अगली बार वीडियो में बताई है था कैसे करना है। फोर लाइन में आपको उसको लिखना है। तो कौन से लेटर लिखने हैं? तो सी, जी, ओ, क्यू एंड यू, ये सारे जो लेटर है आपको फोर लाइन में लिखने हैं। उसके बाद ये लेसन में आपको दिया गया है पोएम दी गई है। पोएम में आपको रीड कर रहे हैं, उसके साथ आपको देखना है, सिर्फ रीड करना है। दिस इज माय हेड, तो यहाँ पे जो है आपके बॉडी पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो दिस इज माय हेड, ये मेरा सिर है, तो हेड योर उसे कहेंगे आप सिर। दिस इज माय नोज, तो नोज। दिस इज माय हेयर, ये मेरे हेयर मतलब अपने हेयर है। दिस इज माय नेक, मेरा गला, ये मेरा गला है। तो जो बच्चा है अपने अपने जो बॉडी पार्ट है उसे वो बता रहा है और कह भी रहा है कौन सी चीज को क्या कहेंगे। दिस इज माय माउथ, दीज आर माय टीथ। आर मतलब ये टूथ, टीथ एक दांत ही होते हैं, आपके मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं। जो ज्यादा चीज होती है उसे कहेंगे, उसे हम आर से दिखाएंगे। तो दीज आर माय टीथ, तो टीथ को हम, दीज आर माय आईज, आईज कितनी होती है? टू होती है, तो उसे भी हम आईज कहेंगे, आई नहीं कहेंगे। दीज आर माय ईयर्स, ईयर कितने होते हैं बच्चों? तो वो दो होते हैं, टू। तो दीज आर माय ईयर्स, दीज आर माय लेग्स एंड दीज आर माय हैंड्स। तो जो जो चीजें उसने बताई वो सारी चीजें किसी किसमें आएगी? बॉडी पार्ट में आएगी। नेक्स्ट आपको दिया गया है उसी बेस पे आपकी पोएम दी गई है। हेड शोल्डर, हेड हेड अपना सिर, शोल्डर कंधा, नीज अपनी घुटने,
और टोज, पैर की जो उंगली है उसे उसे करेंगे अब टोज। तो हेड शोल्डर नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, एंड आईज एंड ईयर्स, आईज एंड ईयर्स, माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। तो ये वाली आपकी पोयम है, तो आपको उसको रीड करनी है। तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, बॉडी पार्ट। इसी तरह आपको बॉडी पार्ट एक वन बाय वन दिखाना भी है और पोयम को रीड भी करना है। तो थैंक यू।